हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ और आशा कर रही हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे। और कहीं कहीं तो लॉकडाउन एकदम खुल गया है, कहीं कहीं अभी टाइम और बढ़ा दिया गया है जैसा हम लोग न्यूज़ में जानते हैं। लेकिन भले लॉकडाउन खुल जाए, लेकिन अननेसेसरी घर से बाहर मत जाइएगा। अभी ये समय और आने वाले 6 महीनों में शायद डिफ़िकल्ट होने वाला है, तो समझदारी बहुत ज़रूरी है। और मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर कर रही हूँ कि जब से मैं बीमारी से उठी हूँ ना, तो मुझे एक अजीब तरह की वीकनेस हो रही है। और उस वीकनेस में ना क्या होता है, जैसे मैं अगर रात में ऐसे करके सो गई, तो फिर ये हाथ वापस ऐसे करने में मुझे इतना दर्द होता है जोड़ों में कि मैं क्या बताऊं। या मैंने कोई जैसे पैर मोड़ के थोड़ी देर कुछ काम कर लिया, नीचे झुक के काम कर लिया, बैठ के काम कर लिया, तो घुटने फिर वो सीधे करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने दर्द लगता है, लगता है कोई ज़बरदस्ती खींच रहा है। और ऑब्वियसली बीमारी के बाद आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। उसके लिए मैं हर तरह का जो है मतलब मल्टीविटामिन ले रही हूँ। खाना पीना मेरा अच्छा चल रहा है, काफ़ी भूख भी लगने लगी है, लेकिन फिर भी कमजोरी नहीं जा रही है। या हो सकता है जो मल्टीविटामिन मैं ले रही हूँ वो पूरी तरह से शरीर में ऑब्जर्व नहीं हो रही हो। तो मुझे जो है उत्कर्ष के चाचू ने सजेस्ट किया था ये खाने के लिए। ये विटामिन D3 है और ये खाने, ये हफ्ते में एक खानी होती है आपको। 4 टैबलेट्स आती हैं, महीने का डोज होता है एक पैकेट में, और ये हफ्ते में एक आपको खानी होती है। आप कोई भी दिन बना लीजिए, संडे बना लीजिए, मंडे बना लीजिए, कोई भी एक दिन बना लीजिए और आप एवरी वीक इसे खाइए। तो मैंने अभी तक 3 डोज में ले चुकी हूँ और मुझे काफ़ी आराम है। तो हो सकेगा तो मैं ये पूरा करने के बाद तो कुछ दिन गैप देके फिर इसे एक पत्ता और खा लूँगी, तो शायद अच्छी तरह से रिकवर हो जाऊँ। तो जिन लोगों को हैवी वीकनेस है या जिन लोगों को इस तरह की मेरे जैसी प्रॉब्लम हो रही है, वो लोग भी इसे ले सकते हैं। और कैल्शियम संबंधी जो चीज़ें होती हैं, हड्डियों संबंधी, जैसे किसी किसी को कैल्शियम नहीं बनता है, उनको भी ये दी जाती है। जिन लोगों को शरीर में कैल्शियम खाते तो हैं पर रुकता नहीं है, उनकी हड्डियों में निकल के बाहर हो जाता है, छन जाता है, या उनकी हड्डियों की जो लेयर है वो थिन हो जाती है। तो कुछ कुछ इसके बेनिफिट्स हैं, वो मैं डिटेल बता दूंगी आप लोगों को, तो आप लोग ले सकते हैं अपनी सेहत के अकॉर्डिंग। दोस्तों, आप इसे गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। मैंने भी गूगल पर इसे देख लिया था, क्योंकि मुझे ना टैबलेट तो ठीक है, मगर मुझे साइड इफेक्ट से बहुत ज़्यादा डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाए, क्या ना हो, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो जैसे मैंने जिंक खाई थी जब, तो उससे मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, पेट में बहुत गुड़गुड़ गुड़गुड़ अजीब सा लगता था। कुछ ना खाओ तब भी लगता था कि अरे बाप रे क्या हो रहा है, पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही थी। तो फिर मैंने 2 टैबलेट खाने के बाद ही उसे बंद कर दिया था, मुझे शायद सूट नहीं करी। तो आप लोग इसे गूगल पर सर्च करके ही खाइएगा, इसके साइड इफेक्ट देख लीजिएगा। वैसे इसके कोई खास साइड इफेक्ट थे नहीं, मैंने अपने लिए सर्च किया था तो मुझे ये अच्छी लगी। आप लोग लेना चाहें तो इसे एकदम ले सकते हैं बिल्कुल धड़ल्ले से, क्योंकि सबसे पुअर मैं अपने आप को मानती हूँ स्वास्थ्य में, और जब मैं इसे बर्दाश्त कर गई तो सभी लोग कर जाएंगे। और आज भी मौसम ऐसे ही है, बहुत जल्दी जल्दी बादल आ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी तेज धूप हो जा रही है, फिर बादल आ रहे हैं, फिर धूप हो जा रही है, तो मौसम का तो यही हाल है। लेकिन हम लोगों का काम आराम से चल रहा है। और आज तो मैंने बहुत दिनों बाद अपने कुछ प्रोडक्ट्स भी यूज़ किए हैं कि रखे रखे एक्सपायर हो जाएं, इससे अच्छा मैं उन्हें यूज़ कर लूँ घर में ही। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी बहुत सारी चीज़ें एक्सपायर हो रही होंगी, तो मैंने सोचा कि पैसे लगाए हैं तो घर में अपने लिए तैयार हो जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। सो ये इसी तरह पूरे रूम में जो है बिल्डिंग ब्लॉक फैला के कुछ कुछ बनाते रहते हैं, और कभी सफारी, कभी पता नहीं क्या क्या बिल्डिंग, और जाने किसका घर, अपने टैडी वैडी का घर, ये सब बनाते रहते हैं, और इसी में इनका पूरा टाइम पास होता है। उत्कर्ष यहाँ क्यों दिखाओगे बंदूक भाई? तुम तो वो दिखाओ जो भगवान ने तुम्हें दिए हैं, ये मोती जैसे निकल के आए हैं यहाँ छोटे 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 छोटे। तो गर्मी जो है असर कर रही है उत्कर्ष के ऊपर। कुछ बोलोगे आप अपने फ्रेंड से? क्या बोलूं? चिड़िया उड़, कौआ उड़, मैना उड़, तोता उड़, और दतड़ू उड़। दतड़ू उड़, यही दांत पता नहीं कब आएगा, 1 महीना हो गया इसे टूटे। सो दोस्तों, मेरा तो वक्त हो गया है अब रसोई में जाने का, मैं चलती हूँ रसोई में। और जब से मैं बुखार से उठी हूँ ना, तब से मेरा मन कर रहा है कुछ ऐसा स्पाइसी, इतना चटपटा, तीखा खाने का कि मैं क्या कहूँ। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि वो मुझे पचना भी चाहिए, मतलब ज़्यादा हैवी फूड ना हो। तो मुझे ध्यान आया कि मैंने नागपुरी पोहे एक बार बनाए थे और वो बहुत टेस्टी बने थे, तो आज मैं वही बनाऊंगी चाहे जो हो जाए। और मुझे मालूम है घर में वो सबको पसंद आते हैं, क्योंकि वो तरी वाले पोहे होते हैं, उसकी तरी सबको बहुत पसंद आती है, और छोटी प्लेट में कोई नहीं खाता है। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं ना, उसमें सब खाते हैं उसे, तो आज मैं वही बनाऊंगी और फिर बनाकर आप लोगों को। दोस्तों, मैंने पोहा सोख करके ले लिया है और मैंने प्याज कट कर ली है, बड़ी इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची और लौंग, इसका मैं पेस्ट बना लूंगी। और बाद में मैं इसमें आज आलू भी ऐड करने वाली हूँ पोहे में, जिससे जो ओरिजिनल होता है उसमें बॉइल्ड आलू पड़े होते हैं। देसी घी डाल दिया है दोस्तों, अच्छा 2 चम्मच भर के, और प्याज प्यूरी इसमें डाल दी है जिसमें सभी गरम मसाले पिसे हुए हैं ऑलरेडी।
हल्दी और धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च और काली पाउडर मैं इसमें काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और अच्छी तरह से इसे भून लूँगी। तो एक तरफ हमारी ग्रेवी बनती रहेगी, दूसरी तरफ हम पोहे की तैयारी कर रहे हैं। नमक डालकर मैं इसे ढक देती हूँ। कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और इसमें मैंने सींग दाना डाल दिया है। मूंगफली को अच्छी तरह हम भून लेंगे, तल लेंगे और इसे मैं पोहे पे ही निकाल ले रही हूँ। बचे हुए ऑयल में मैं जीरा, सौंफ और हरी मिर्च, अदरक ये सभी चीज़ें डाल रही हूँ और फिर थोड़ी बड़े साइज़ में कटे हुए लंबे लंबे प्याज में डाल रही हूँ और बस इन्हें हम गुलाबी होने तक भून लेते हैं धीमी आंच पर। बीच बीच में हम अपनी ग्रेवी को भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ी सी सौंफ पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ। आप लोग जानते हैं कि मुझे इसका अरोमा बहुत पसंद है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसमें टमाटर प्यूरी भी डाल दे रही हूँ और फिर इसे मैं चलाकर ढक दूंगी। और इधर हम अपने पोहे वाली प्याज चेक कर लेते हैं, ये भून गई है दोस्तों। इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। अभी मैं केवल हल्दी ऐड कर रही हूँ क्योंकि बाकी के मसाले ग्रेवी में हैं। और अब मैं इसमें बॉइल्ड आलू ऐड कर दे रही हूँ और इन्हें मैं हल्का पहले भून लूँगी तो इसमें सौंधापन आ जाएगा। बस अच्छी तरह से चलाकर मिक्स करके मैंने भून कर फिर मैं इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। हमारी ग्रेवी अच्छी चटपटी बन रही है दोस्तों, इसी के हिसाब से हमें पोहा बनाना है। तो इसमें मैं ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल दे रही हूँ और मैंने करीब करीब 2 नींबू इसके लिए रेडी करके रखे हैं जो मैं इसके रस में ग्रेवी में डालूंगी। अब मैं आलू में पोहा और सिंगदाना ऐड कर दे रही हूँ और अच्छी तरह से इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए मैं मिक्स करूंगी। और मैं नमक ऐड कर दे रही हूँ। नींबू को मैं जो है छान ले रही हूँ। और आप लोग खाना चाहें तो आप इसमें चीनी डालिएगा, अदरवाइज़ आप स्किप कर दीजिएगा। मेरे घर में सब लोग पोहे में चीनी खाते हैं इसलिए मैं डाल रही हूँ। नींबू का रस मैंने ग्रेवी में ऐड कर दिया है। 2 बड़े नींबू मैंने लिए थे ताकि खट्टापन रहे। और नागपुरी पोहे में अचार भी सर्व किया जाता है, नींबू का अचार या आम का अचार, कोई ना कोई पिकल होता है। प्लेट में मैंने पोहा निकाल लिया है, बीच में मैंने इसमें चटपटी ग्रेवी डाल दी है और अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। बन गई मेरी रेसिपी, सबने मन भर के खा लिया और मुझे लगा था कि ये लोग डिनर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेंगे, मगर किसी ने नहीं किया। डिनर भी प्रॉपर हुआ सबका और रसोई में मेरा पूरा मेकअप बह गया चलो खा के मन जो है आत्मा तृप्ति जिसको बोलते हैं ना, मेरी तो वो हो गई। मैंने तो बहुत खाया और डिनर में मैंने थोड़ी सी परहेज रख लिया, मैंने कम खाया है डिनर, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और मैं कहूँगी आप लोगों से कि आप लोग इस रेसिपी को बार बार बनाइए, आपके यहाँ भी सबको ये बहुत पसंद आएगी। और सभी मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों, ये तो अपने हाथ में होता है। तो आज का व्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ कल आप लोगों से नए व्लॉग में, नई वीडियो में, नई रेसिपी में, पता नहीं नई रेसिपी होगी कि नहीं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। गुड नाइट। गुड नाइट।